ख्वाजात इफ्तार अहमद डी एन ए के स्टूडियो से आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, अंजुम रशीद साहब और जवेद इकबाल साहब। आज स्टोरी ऑफ द डे तो होगी खुशाब के इलेक्शन के बारे में, लेकिन इसके अलावा जो स्टोरी पे हम बात करेंगे वो कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन हैं वहाँ के मामला पे, और फिर हम बात करेंगे शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो उन्होंने पूरा का पूरा एक नया प्रोजेक्ट सामने लेके आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और सबसे आखिर में उन शहदा की बात की जाएगी जिन्होंने आज अपनी जान दी पाकिस्तान की दिफा के लिए चमन के बॉर्डर पे। तो जहाँ तक पहली स्टोरी, ये जो इंतखाब है PP-84 ये कहलाता है हल्का, और इसमें तीन तहसीलें, एक नूरपुर थल की तहसील आती है, कायदाबाद है, खुशाब है। यहाँ पे जो नशिस्त थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास थी, उन्होंने जीती और वो कोरोना के शिकार हो गए। अब उनके बेटे यहाँ से लड़ रहे हैं, मौज़म अपना उनका नाम है मौज़म शेर, PTI के मलक अली हुसैन उनके मुकाबले में हैं, कालदम तरीके लबैक पाकिस्तान के हाफिज असगर और पीपल्स पार्टी के ग़ुलाम हबीब खान वहाँ से इंतखाब लड़े हैं। अब तक के जो नतज हैं हमारे पास, ये 229 पोलिंग स्टेशनों का हल्का है, 151 के नतज आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 49625 49625, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,990, और इस नतीजे से ये लगता है कि शायद ये नशिस्त भी जब आखिरी काउंट होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाएगी। तो ऐसा महसूस होता है कि जो 11 ज़िमनी इंतखाबात हुए इस मामले पे कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वोट को इज्जत दो, क्या वो कामयाब हो गया, क्या लोगों ने उसको कबूल कर लिया, ये मामला है जो आज हम देखेंगे क्या ये दुरुस्त है नहीं दुरुस्त है। और जब क्या आप समझते हैं कि ये नारा कामयाब रहा? देखिए, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा ज़रा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। जब से बाई इलेक्शंस की ये सीरीज शुरू हुई है उसके नतज को अगर हम सामने रखें तो दो बातें वाज तौर पे सामने आ रही हैं। एक तो ये कि 11 इलेक्शंस हुए उनमें से एक पीपल्स पार्टी जीती है जो कि डिस्प्यूटेड है, और एक किर्क में PTI जीती थी, बाकी 9 इलेक्शन जो हैं वो PMLN जीत गई है। तो इससे ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है मैं इसको सेकेंड करूँगा कि यकीनी तौर पर नवाज शरीफ के बयानियों को इससे तकवीत मिल रही है, अगर ये कामयाब नहीं हुआ है तो कम अज़ कम तकवीत मिल रही है। दो बातें और मुझे अर्ज़ करनी है, वो ये कि ये मेरे ख्याल से ना PMLN के लिए कोई लम्हा फिक्रिया है ना पीपल्स पार्टी के लिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो यहाँ से वॉश आउट हुई हुई है, एक तवील अरसा हो गया है। तहरीक लबैक इज़ ए न्यू इमर्जिंग चैलेंज फॉर ऑल द पार्टीज़। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात होनी चाहिए PTI के लिए, क्योंकि PTI का ख्याल ये था कि उन्होंने पिछलों को चोर साबित करके या कुछ साबित करने की कोशिश करके उनकी दुकान तो लपेट दी है, लेकिन ये जो वर्कर जो आम आदमी है ना जिसने वोट देना, जो वोटर है, वो बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। तमाम तर एंटी मुस्लिम लीग नून एंटी नवाज शरीफ के एक पूरी कैंपेन के बावजूद इलेक्शन के रिजल्ट्स कोई और कहानी सुना रहे हैं। ज़रा मैं मुकम्मल कर लूँ, और वो कहानी क्या है वो अब बिल्कुल वाजह है। देखें, सिटिंग गवर्नमेंट्स कभी ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारते, ये मिथ सिर्फ इस दफ़ा ब्रेक हुई है, चाहे वो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है चाहे वो पूरे मुल्क के दीगर इलाकों में कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो लम्हा फिक्रिया है जैसा मैंने कहा PTI के लिए कि वो स्टॉक टेकिंग करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बुनियादी वजूहत हैं इसकी, वो महंगाई है, उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। जवेद, इससे पहले कि आपको मैं दावा दूँ, अब ताज़ा दिन जो सूरत हाल है वो 180 पोलिंग स्टेशनों की है, 55,000 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 48,000 PTI। जी, अब बात करें। इस इलेक्शन का तो तय था कि PMLN की सीट थी। क्या कैसे था सर, मैं बताता हूँ ना, इसलिए तय था कि PMLN की सीट थी, उसने जीतना था। और जिस तरह आप और मैं पाकिस्तान में जितने इलेक्शन देखे हैं माजी में, पाकिस्तानी कौम की मेंटल साइकी को भी आप समझते हैं। देखें, पाकिस्तान में हमदर्दी का वोट चलता है, पहले भी अगर PMLN 6-7 हज़ार बना देंगे। अवाम हमारे ना, पाकिस्तान के अवाम बहुत नरम दिल लोग हैं सर, हमेशा पाकिस्तान में हमदर्दी का वोट पड़ता है, ये आप भी इस चीज के गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। लेकिन हमदर्दी क्वालिफाई करें, लेकिन हमदर्दी किस बात पे? कोरोना से उनकी डेथ हुई है, हम बेशक डेथ तो हुई है ना, एक घर में फौतगी तो हुई है ना सर, और ये जो पिछले जो है, लेकिन PTI के लिए ये हल्का या ये इलेक्शन इसलिए अहमियत रखता था कि आज अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते तो शायद वो जो पिछली इन्होंने शिकस्तें खाई हैं उसका
कोई मलबा उन पे से साफ अजाला थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी बात प्लीज, सिर्फ एक सेकंड की, जो आपका बयानिया है ना कि वोट को इज्जत दो की वजह से, ये है मेरे ख्याल में ये बयानिया नहीं है, असल में पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से उनको वोट नहीं पड़ा। अच्छा बात यह कि या तो उस हलके के अवाम ने सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए उसको मुस्तरद किया, उसको माना ही नहीं है, या फिर उन्होंने जो है नवाज शरीफ की तमाम तर करप्शन के इल्जामात के बावजूद उन्होंने कहा खाता है तो लगाता भी है, या फिर और इसमें इस और जो दूसरी तरफ दूसरे नंबर पे जो तहरीक इंसाफ आई है उसमें थोड़ी सी एक रोशनी है कि हौलनाक महंगाई के बावजूद, बेरोज़गारी के बावजूद लोगों ने जो करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मूवमेंट है उसको भी मुस्तरद नहीं किया, उसकी हिमायत की है। लेकिन करप्शन की अगर हिमायत किया लोगों ने तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इसमें इसके अलावा हमें हिंदुस्तान में भी देखने में आया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनका जो बयानिया है वो मेरा ख्याल एक दूसरी बहस है, उनके बयानिए पे अगर वोट पड़ता तो वो कोई और शक्ल होती। मैं ख़ातिर साहब चूँकि ये हमारे वक्त नहीं है और इलेक्शन के नतीजे आते जा रहे हैं, जो आखिरी नतीजा था वो आपको मैंने बता दिया कि 55,180 पोलिंग स्टेशन, 55,000 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 48,000 पीटीआई, और ये बात के किस बयानी की वजह से वोट मिला और वो उनकी करप्शन को लोगों ने नहीं माना या करप्शन को माना, एक लंबी बहस है और आइंदा इंतखाबात तक ये बहस चलती रहेगी। एक बात जो अच्छी है वो ये है कि लोग वोट डालने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़िमनी कम आते हैं, लेकिन लोगों का जो एतमाद है जमहूरियत पे वो ख़राब नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे मुहिम चलाई गई जमहूरियत के ख़िलाफ़, इन पॉलिटिशन के ख़िलाफ़, और कोशिश की गई कि इन लोगों लोग जो इन पॉलिटिशनों के घरों को से बाहर निकाल के इनको मारें और इनको कहें कि तुम लुटेरे हो, तुमने खा लिया, तुम हमें हिसाब दो, ऐसी फिजा भी नहीं बन पाई। फिजा अक्लमंदाना फैसला हुआ, एक कंपटीशन हुआ है, फेयर कंपटीशन है, और इसमें पीटीआई को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि उनका इतना अच्छा स्लोगन पाकिस्तान को बदलने का, नए पाकिस्तान का और करप्शन के खात्मे का, वो क्यों कर नहीं कामयाब हुआ, ये भी तो एक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो और इंतखाबात होंगे उसमें बात और वाजे हो जाएगी कि लोग किधर खड़े हैं, लोग किसके बयानी को मानते हैं, किसके बयानी को नहीं मानते। अब हम चलते हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातिन आज़ाद, हम बात कर रहे थे खुशाब के इलेक्शन की और अब आज की बाकी स्टोरियाँ। अब हम बात करेंगे माशी इस्तेकाम के हवाले से, जो तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें पाकिस्तान के इक्तसादियात के हवाले से बहुत सारे अमूर पर उन्होंने इजहार ख्याल किया है, कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने का वादा किया है और कुछ पॉलिसी डिसीजन को बेहतर करने का फ़ैसला किया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि तरीन साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये क्या कोई तब्दीली ला सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरक्की पर जा रहे थे, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कोविड ने पहले आके हमें रोका और फिर ये दूसरा कोविड का हमला है, इससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ है। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर गौर से सुना जाए तो मुझे तो लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों की, जिसमें इंतखाबात भी शायद हो जाएँ, क्योंकि जो वो आइडिया दे रहे हैं उसमें है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, ख़वातीन के लिए, छोटा कारोबार करने वालों के लिए और ज़रात पेशा लोगों के लिए, ज़रात की बात अलग वो करते हैं, एक तो किसान कार्ड की बात हो रही है, एक तो ज़रात की बेहतरी की उसमें मेरे रिसर्च की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान एक तरक्की करे, उस तरक्की का फ़ायदा आपको भी होगा, मुझे भी होगा, गरीबों को भी होगा, जो सड़क पर खड़े हैं उनको भी होगा, जिनको स्कूलों में तालीम नहीं मिलती उनको भी होगा, तो एक अच्छी बात है। और मैं शुरू करूँगा अंजुम आपसे कि ये जो आज उन्होंने कहा है शौकत तरीन साहब ने, और उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया कि माजी में मैंने ये किया, माजी में मैंने ये किया और आज मैं ये कर, और एक फिक्र उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। देखो जहांगीर, शौकत तरीन ने इलेक्शन की बात नहीं किया, शौकत तरीन ने एक विजन दिया है, एक आइंदा प्लानिंग दी है, अपनी सोच दी है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा क्या होगा। इससे पहले शेख साहब ने इस तरह की कोई विजन नहीं दिया था, कोई प्लानिंग नहीं दी थी, लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की थी। इन्होंने एक बात बताया
कि वो जो उन्होंने कहा ना नौजवान प्रोग्राम या छोटी संतों की, वो उन्होंने ये नहीं कहा, वो कोई फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए कोशिश नहीं है, वो असल में ये कह रहे हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्री के ट्रिकल डाउन अफेक्ट्स होते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री लगा ले तो गरीबों को भी फ़ायदा होता है, वो कहते हैं नहीं होता। और जो बाइडेन का हवाला दिया इस मामले में, बाइडेन का नाम भी लिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये नहीं होता, हम डायरेक्ट छोटे गरीब आदमी को जो है माइक्रो लोन देंगे और छोटी संतों को बढ़ाएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, उसने कहा कि बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे और टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाएंगे, इस टैक्स नेट को बड़ा करेंगे। ये बातें तो मतलब बड़ी हैरत अंगेज और खुशगवार हैं, लेकिन इस पर अमल मेरा ख्याल करने के लिए काफ़ी माइंड की और कोशिशों की ज़रूरत होगी। एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना से अब तक जो इन्वेस्टमेंट आई है वो आई है बिजली के कारखानों में, और बिजली के कारखानों में इतने बिजली के कारखाने लग गए हैं कि उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है, उनकी पैदा करने की जो सलाहियत के पर जो हम पेमेंट करते हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि उतना इस्तेमाल नहीं है, यानी कि कारखाने ज़्यादा लग गए हैं। लेकिन अब वो चाइना से कहेंगे कि वो पाकिस्तान में वो सनतें लाएं जो अपनी सनतें दूसरे वाले में भेज रहा है। एक विजन दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में ग्रोथ को तेज किया जाए। जावेद ने इससे पहले कि अब जाए में इन्होंने एक बात की है चाइना के हवाले से, जो तरीन साहब ने IMF के हवाले से बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको टच करेंगे। बात पता क्या है इफ्तिखार साहब, इन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया, इमरान खान की सोच का भी जिक्र किया, जिससे मुझे जो नज़र आई है बात, जो समझ आई है बात, ये शौकत तरीन साहब की यू टर्न पॉलिसी है फिनांस के हवाले से, जो माजी में हमने पाकिस्तान में देखा। IMF में जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है, फिर चले गए, जो IMF की कंपल्शंस आईं और फिर उसको आपने मलबा डाल दिया, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपको बहुत सी कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा, और अब आप IMF को भी साइड पे करना चाह रहे हैं। अब आपको यह भी समझ आ रही है कि इन्फ्लेशन को हमने कैसे कंट्रोल करना है, अब आपको यह भी समझ आ रही है कि -1 GDP ग्रोथ से उठाकर पाकिस्तान को जब तक हम ओवर 5% GDP ग्रोथ पे नहीं ले जाएंगे तो अगले 4 साल में पाकिस्तान फाइनेंशियली करप्ट हो जाएगा। और उसमें जब इमरान खान की सोच की बात करते हैं तो मुझे वो एक बड़ी अच्छी सी बात याद आती है कि 2.5 साल इमरान खान हमें ना घबराने का लेक्चर देते हुए अब शायद अब खुद घबरा गए। क्यों घबरा गए, उसकी 2 ऑब्वियस रीज़न है। एक वजह ये मुझे नज़र आ रही है कि माजी में जितने बाय इलेक्शन हुए सब में वो हार गए स्वाय एक इलेक्शन के, और आने वाले वक्त में जिस तरह इन्फ्लेशन आज डबल डिजिट में पहुंची हुई है और गरीब चीखें मार रहा है, आप सस्ते बाजार में चले जाएँ, मार्केटों में चले जाएँ, इवन आप ना रिफॉर्म कर सके, ना आप रिफॉर्म्स कर सके, ना आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, तो फिर अब मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे शौकत तरीन की बातों से रे ऑफ होप नज़र आई, उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, अगर उन बातों पे वो अमल कर जाएं तो यकीन करें कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्यों, उन्होंने इंडस्ट्री की बात की, स्मॉल इंडस्ट्री की बात करी, 5% GDP ग्रोथ की बात की, उन्होंने कहा बिजली नहीं बढ़ेगी उसकी बात की, उन्होंने बात बिजली नहीं बढ़ेगी, बिजली कीमत नहीं बढ़ेगी, बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसका हमें हल नहीं बताया कि 2400 अरब का जो सर्कुलर डाटा है उसका क्या होगा। लेकिन बातें अच्छी हैं ज़रूर, डेफिनेटली उनके बैक ऑफ माइंड में उसकी भी प्लानिंग होगी, लेकिन बात यह है कि इस सारे काम करने के लिए अब इनको टोटल टाइम 2 साल है। इमरान खान और इसकी हुकूमत को इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है कि आने वाले इलेक्शन में जब जाएंगे तो वो किस तरह आवाम को फेस करेंगे। जावेद, और अगर इन्होंने डिलीवरी ना की जिस तरह शौकत तरीन साहब चाह रहे हैं डिलीवरी का, कि सर्कुलर जो टैक्स नेट को वो कहते हैं हम बढ़ाएंगे, नए टैक्स नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, और किसी भी पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छी बातें नहीं हो सकती अगर वो अमल कर सकते। बखारी साहब, ये इन्होंने ये पॉइंट कवर कर लिया, उन्होंने असल में कहा कि कोरोना की वजह से हमारी जो तरक्की है उसमें रुकावट आई है, बहुत सारी बातें की जिसमें अंजुम साहब ने वो कह रहे हैं कि 92% हमारा रेवेन्यू बढ़ गया था कोरोना की वजह से नीचे आ गया। ने भी बात कर ली, उन्होंने जावेद ने भी, मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत बातें की। अब इसको देखें कि आपने भी सारी सुनी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ खड़े नाजिर ने, एक तो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो खान साहब हैं इफ्तिखार साहब, ये बड़ी बारीक वारदात करते हैं हमेशा, थोड़ी देर के बाद समझ आती है। इन्होंने कहा कि इस दौरान इलेक्शन भी हो सकते हैं, ये कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं है, ना कोई ये दरफुंतनी है,
इसके बहुत सारे हवाले हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो असद उमर साहब कहें कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, चाहे वो यानी इमरान खान साहब ख़ुद कहें कि अब हमें कुछ करना है ताकि हम ले के इसको आगे बढ़ें, बहुत सारे हवाले ऐसे हैं जो दिए जा सकते हैं। और दूसरी बात की थोड़ी सी वजाहत जो अंजुम रशीद साहब ने की कि कारखाने बहुत ज़्यादा लग गए हैं, शायद उनको ये याद नहीं रहा बिजली के जो बिजली के कारखाने याद नहीं रहा कि जो शाहराएँ बनी हैं ना ग्वादर जाने के लिए उसके ऊपर 18 इकोनॉमिक जोन बनने थे जिसमें इंडस्ट्रीज़ लगनी थी, तो भी नहीं थी तो बिजली कहाँ से आती है अगर वो लगनी थी तो इसके लिए ही इन्वेस्टमेंट की गई थी सी पैक के अंदर कि बिजली की एक तो नेशनल ज़रूरत जो है वो पूरी हो और दूसरा ये कि इतनी वाफर मकदार में हो कि अगर नई इंडस्ट्री लगे तो प्रेशर ना आए। ये थोड़ी सी वजाहत थी। अब आ जाए जनाब आप जहांगीर तरीन साहब कर सकते हैं दो तरीन सेकेंड तरीन। यस देखिए गुजारिश है, एक तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने चाहे इशारतन कहा है चाहे थोड़े बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा है कि आईएमएफ जो है ये इस मुल्क की तकदीर तय नहीं कर सकती और ना ही इसके ज़रिए कभी हम अपनी डेवलपमेंट का वो टारगेट अचीव कर सकते हैं जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं या जो हमारा हक बनता है। तीसरी बात जो उन्होंने की कि इसकी सियासी कीमत उन्होंने कहा अदा भी कर चुके हैं और यकीनी तौर पर अदा करनी भी पड़ती है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं इमरान खान साहब की उस बात का बहुत कायल था और मैं कहता था कि किसी ने ये नेशनल अप्रोच किया जब वो कहते थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा अगर आईएमएफ में जाना पड़ा तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो दो बातें अहम हैं वो ये हैं, एक तो जैसा जावेद साहब ने कहा कि उन्होंने एक रे ऑफ होप जो है वो कौम को ज़रूर दी है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो आम आदमी का ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है जिसके लिए वादे भी किए गए थे, नारे भी लगाए गए थे, कंटेनर में खड़े होकर अज़्म भी जाहिर किए गए थे, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकंजे में है इकोनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके हवाले से, उनके हवाले से अगर मैं देखूं तो शौकत तरीन साहब की जो ये तकरीर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्रोवाइडेड कि उनकी बात को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन चूँकि बस मकसद ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि असद उमर साहब अगर आपको याद हो उनके हल्फ उठाने से एक दिन पहले उन्होंने कहा था ना मैं इनकी फ़िलासफ़ी से मुतफिक हूँ ना मैं इनकी स्ट्रेटजी से मुतफिक हूँ और ये कि जब ये प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे तो मैं इनकी हर बात को चैलेंज करूँगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक में, जाएगा नहीं मेरे साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर बहस था, दरख्वास्त ज़ेर बहस थी और बहुत सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने टच किया और एक उनकी ऑब्जर्वेशन है जो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जो जितने पैसे खर्च हुए कराची पे इसे तो पेरिस बन जाना चाहिए था। और फिर सीजे साहब की ऑब्जर्वेशन ये भी थी तो खंडर बन गया है और एक संजीदा मामला है। इसलिए एक संजीदा मामला है कि 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड की जो एलोकेशन हुई और आपको आज़ादी दी गई सूबों को कि अब आप अपनी मर्ज़ी से इन पैसों को खर्चें और एक ऐसी पार्टी जिसकी वहाँ पे हुकूमत है और जो कहती है कि हम सिंध हमारा है और हम सिंध से हैं, उसकी जो तरजीहात हैं वो मेरे ख्याल है पिट गई हैं। अगर वो ना पिटती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की ऑब्जर्वेशन ना देते। और ये सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, वहाँ के तमाम सियासी हलके और पाकिस्तान में उनके तमाम नकाद जो पीपल्स पार्टी के नकाद हैं एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनएफसी अवार्ड जो उनको मिला, जो पैसे इतने सालों से मिले, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। और मुझे सिर्फ दो लाइनें और कह के मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि वो आपसे अपने ख्यालात का इजहार करें। एक तो उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खतीर रकम ये कहते हैं हमने खर्ची है। वो उन्होंने कहा कि जितने पैसे आपने खर्च करने का बताया है इससे तो सिंध जो है ना पेरिस बन जाता। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे अदारे जिन तलीमी इदारे हैं इनको तो हार्वर्ड बन जाना चाहिए था, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया हार्वर्ड बनना चाहिए था। उन्होंने कहा सिंध में ज़्यादातर पैसा तनख्वाह में जा रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ज़ाती नीयत की ऑब्जर्वेशन है या गुस्से के तहत दी गई है या किसी मनसूबाबंदी के तहत की है। हकीकत यह है और ख़ुद सिंधी भी महसूस करते हैं, पीपल्स पार्टी भी महसूस करती है, बहुत कुछ करना है। इतने सालों से वो पार्टी वहाँ पर इकदार में है, शहर को मीठा पानी देने के लिए कुछ नहीं कर पाई। और ये इतना मुश्किल काम नहीं था, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं थी कि समुंदर के पानी को इस्तेमाल करके मीठा पानी अपने लोगों को फराहम किया जाता। तो मैं अब जाऊँगा अंजुम रशीद के पास क्योंकि अंजुम मेरी तो घुर रहा है, वही तो अंजुम क्या कहना था। जी अंजुम
देखो एक तो मैं पिछले प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अब तक कहा जा रहा था प्रोग्राम नहीं पिछले सेगमेंट के वाले कि IMF जो है वो हमारी ग्रोथ को रोक रही है और जहांगीर शौकत तरीन ने जो है हमारी ग्रोथ का फार्मूला दिया जो दिया ये सारी तकरीर प्रेस को हुई थी। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के बारे में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन एक तरफ ये भी है कि NDMA का उन्होंने हवाला दिया उसमें भी करप्शन, अब NDMA में भी करप्शन है, हमारे हर डिपार्टमेंट जिसको उठा लो चाहे पूरा पाकिस्तान चाहे पंजाब हो चाहे सिंध हो चाहे पख्तूनस्तान हो चाहे वापडा हो चाहे LDA हो चाहे KDA हो चाहे पुलिस हो हर चाहे ज़रात हो चाहे नहर हो हर जगह करप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी तो ठीक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि हार्वर्ड का एक यूनिवर्सिटी का जो हवाला दिया कि सिंध में हार्वर्ड बन जाती, हार्वर्ड का जितना बजट है पाकिस्तान की का टोटल बजट जो हार्वर्ड के बजट के बराबर है। एक तो ये कि हम एक गरीब मुल्क है और पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत आई है और ये जो नया सीजन आया उसमें सूबों की जो इमदाद है वो भी कट गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को करप्शन के खिलाफ और मुल्क में डेवलपमेंट को तेज करने के लिए अपनी कोशिश करते रहे। पहले कि हम बात को आगे लेके जाएं, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा कि आज इसी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने जो NDMA है आपकी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में भी बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं और उन्होंने कहा ये मास्क खरीदे गए चाइनी एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी को क्या जरूरत है मास्क खरीदने की, जहाज भी उन्होंने मंगवाया, पेमेंट भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान स्टील मिल से ऑक्सीजन की बड़ी मकदार मिल सकती थी क्यों नहीं किया। तो हमें ये भी सामने रखना चाहिए वो किसी एक के खिलाफ ही रखते जो खराबी है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की हैं ना वो बिल्कुल ठीक बातें की हैं, किसी भी हुकूमत को किसी भी अदारे को किसी भी सूबे को तरक्की करने के लिए हमेशा कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप चाहिए होती है। खुशकिस्मती कह लें कि सिंध को वो कंटिन्यूटी मैसर आई, बदकिस्मती कह लें कि उस कंटिन्यूटी का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खुशकिस्मती ये थी कि उनको डिलीवर करके कराची और सिंध में फ़र्क को ख़त्म करना चाहिए था, बदकिस्मती क्या है कि उन्होंने कराची और सिंध में फ़र्क रख के जो फंड्स थे जिस चाहे एजुकेशन के हवाले थे चाहे सेहत के हवाले से थे चाहे इरिगेशन के हवाले से थे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से थे उनमें रिफॉर्म्स करने की बजाय उनकी एफिशिएंसी बनाने की बजाय उनको मुनसिफाना तकसीम करने की बजाय उसका रिजल्ट क्या आया कि वो करप्शन की नज़र होते गए, ना उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना उधर पानी के मसाइल हल हुए, ना उधर एजुकेशन के हालात आपके सामने, ना सेहत के मामलात को उस लेवल पे ले जाया गया। आप ये कहना चाह रहे हो साल में आप ये कहना चाह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ठीक है, उसी की मिसाल आप तैयब अर्दगान की ले लें, उस बंदे ने 20 साल में अपना पूरा मुल्क चेंज कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक लीडरशिप को 20 साल मिल जाए किसी भी अदारे को दुरुस्त करने के लिए तो उसे दुरुस्त होना चाहिए। अब बहुत जब ये जो बात कही है अदारे को अगर बेहतर करना चाहते हैं और कॉन्टीन्यूटी पॉइंट जो रेज किया है बड़ा जेन्युइन पॉइंट है और ये नहीं कहा जा सकता कि सिंध को अपने मामलात में डेवलपमेंट के मामला पे लोगों को इंसाफ देने के पूरे मिले नहीं, ये भी कभी हमने नहीं सुना ये बलता और बता। उन्होंने कहा कि NFC वार्ड में कुछ हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये पंजाब का भी वक्त हमारा भी पैसे कटे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी ग्राउंड रियलिटी को देख कर उन्होंने दिए कैसे दे दिए। जी मैं अर्ज करने कोशिश करता हूँ, देखिए एक बात तो ये है कि माजी में जैसा हमने देखा दो चीफ जस्टिस, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ सबको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने अदालती काम करने की बजाय हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और सुओ मोटोज की एक ऐसी सीरीज चली जिसका पूरी तारीख में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इस सुप्रीम कोर्ट को मैं इसलिए क्रेडिट दे रहा हूं जो कुछ जावेद इकबाल साहब ने कहा कि इनके सामने एक केस है, उस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये रिमार्क्स हैं, तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये कोर्ट अपने तौर पर सुओ मोटो लेके कुछ नहीं कह रही है, सिंध की हुकूमत के पैसे जो हैं किस तरह खर्च किए हैं उसके हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से केस था उनके सामने, उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट का मामला नहीं है सिर्फ, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसमें आपको पता है कौन है, कौन इसका हेड है, और जो पिछले हेड नहीं पिछले हेड के साथ क्या हुआ ये भी आप जी जी वो मैं आ रहा हूँ सर। लिहाजा ये ऑब्जर्वेशन थी टू आइडेंटिफाई कि वहाँ वहाँ ये गड़बड़ हो रही है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है
चाहे कोई पिटीशन में जाए उसके पास जाके, या कभी सो मोटो लेना पड़ जाए कि जहां बहुत कुछ गलत हो रहा हो उसकी उसकी निशानदेही करके उसके तदारक का मशवरा देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, एक बात। दूसरी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट इटसेल्फ, देखें पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट की पूरी पीटीआई का सोशल मीडिया पहले दिन से उनको गंदा करने के ऊपर लगा हुआ है। मैं मिसालें देने बैठूंगा तो वक्त गुजर जाएगा बहुत ज़्यादा। कभी आर्टिकल 149 के तहत कहा कि यहाँ इमरजेंसी लगा के इनको फारग कर दें, कभी कहा यहाँ गवर्नर रूल लगा दें, कभी कहा यहाँ जीडीए के साथ इत्तेहाद बना के इनको वोट आउट करा दें, कभी कुछ और कभी कुछ। शमीम नकवी साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे और इमरान इस्माइल साहब, सवाए इस काम के और कोई काम उनके पास नहीं था। तो ग्राउंड रियलिटी पर देखना चाहिए। एजुकेशन की सूरत हाल जो है, पेरिस बन जाना तो एक अलग बात है, दूसरी बात यह कि यहाँ मेरे किसी दोस्त ने कहा कि वो पेरिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जितना तो पाकिस्तान का बजट भी नहीं, खुदा के वास्ते इतनी एग्जेजरेशन में ना जाया करें यूनिवर्सिटियों के बजट हमारे सामने हैं, गूगल पे जाएं जाके चेक करें। मुल्क का 22 करोड़ जो हमारा रेवेन्यू है हार्वर्ड का रेवेन्यू उसके बराबर है, 22 करोड़ अवाम के मुल्क के बजट को एक यूनिवर्सिटी के बजट के साथ इक्वेट करने ही पहली बात है। वो गरीब मुल्क है, वो बाबा गरीब मुल्क है, चाहे जो भी है बजट। बहुत मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहेगा। ख़वातीन हज़रात वेलकम बैक। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो ज़रा संजीदा भी है और अफसोसनाक भी और दुख भरी भी है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तब्दीली का अमल मतवक्को है, और उससे पहले ही जो तालिबान ने वहाँ पे अपनी फ़ौज और अपनी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, उसके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे उनका प्रेजिडेंट जो है डालता है। वो कहता है कि पाकिस्तान की शह पर ये होता है, और उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया कि आज जो बॉर्डर हम देख रहे थे वहाँ पर सरहद के ऊपर जो बॉर्डर लगा हुआ है उस पर जो हमारे नौजवान ड्यूटी कर रहे थे उनको फायरिंग की गई और 4 एहलकार शहीद हुए। अब आप तस्वर करें कि हम अपने मुल्क की सरहदों को डिफेंड कर रहे हैं, हम एग्रेशन नहीं कर रहे, हम किसी हमारे फौजी किसी मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो रहे कि कोई उनकी सरहद में जा रहे होते तो उन पर फायरिंग होती, वो अपनी तरफ एक बाबर वायर हम लगा रहे हैं पूरी सरहद पे, उसको लगा रहे थे, उसका तहफ़ कर रहे थे। ये रवैया जो है ये फिर नाकाबिल कबूल है, और अगर इस रवैये के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं कि शायद हम अमन नहीं चाहते, इंसाफ नहीं चाहते। अमन तो हम चाहते हैं, हमने तो हिंदुस्तान से भी अमन की बात की है, लेकिन हिंदुस्तान ने परसों क्या किया, उन्होंने भी हमारे अपना लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग की। तो इस तरीके से बात नहीं चलेगी। बात यह कि जो भी लोग या जो भी ताकतें मेरे बॉर्डर्स को मेरी हदूद को हमला करेंगी, मेरे नौजवानों को शहीद करेंगी, वो ये फिर तवक्को न करें कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। हम रिटेलिएट कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। हालात इस सदी के ये नहीं है कि हम हर वक्त आपस में लड़ते रहें। तो मैं अब दावा दूंगा बहुत जब ये जो वाकया हुआ है ये पर बड़ा अफसोसनाक है। ईद से चंद दिन पहले शोधा की लाशें उनके घरों में जाएंगी और अब ड्यूटी कर रहे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग भी वहाँ बॉर्डर्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी जब भी जाम शहादत नोश करते हैं वो पूरी कौम जो है उसके ऊपर दुखी होती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी, एक सिंगल पाकिस्तानी भी इससे इख्तलाफ़ कर सकता है कि हम चैन की नींद अपने घरों में इसलिए सो रहे हैं कि कोई लोग छाती तान के वहाँ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, वो चाहे हिंदुस्तान के साथ 1500 मील लंबा यानी बॉर्डर हो या अफ़गानिस्तान के साथ 900 मील लंबा बॉर्डर हो, बल्कि 900 से भी लंबा है वो। तो एक तो उनको ट्रिब्यूट पेश करना हमारी ज़िम्मेदारी है एज ए कौम, क्योंकि उनकी वजह से हम सुकून में हैं। दूसरी बात, फेंसिंग ने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को भी, तालिबान को भी और हिंदुस्तान को भी, इसलिए कि हिंदुस्तान ने 18 उन सफारत खानों में जो उन्होंने काउंसिल खाने खोले हुए थे उनमें वो बैठ के क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे तालिबान को, असला दे रहे थे, नोट बांट रहे थे। वो हमने कार्रवाइयाँ कर करके ख़त्म किए हैं, अब वो कम अज़ कम वो सूरत हाल वहाँ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान पर अटैक होगा ये कोई माई का लाल ना सोचे कि पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूँ जावेद साहब, बस आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए, कि यहाँ तक भी हुआ है कि हमने हलमज तक चेज करके लोग मारे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पे हमला किया था, और अब सूरत हाल वो नहीं है कि वो आराम से जिस रास्ते जिस दर्रे से चाहे दाखिल हो जाए और फिर फाटा में आके वहाँ की मकामी पॉपुलेशन को साथ में लाके। बात पता क्या है,
कि आज तक पाकिस्तान ने जब भी अल्हम्दुलिल्लाह अमन के लिए कोशिश की है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है चाहे वो इंडिया है, हमेशा किसी न किसी हमारे इस पीसफुल इनिशिएटिव को हमेशा नेगेटिव लिया गया। हमने इंडिया के साथ पीसफुल रहने की कोशिश की तो 3 दिन बाद आप देख लें कि क्या हुआ, और आज अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हमारे साथ क्या हुआ। बात यह है कि इन तमाम मुल्कों को, चाहे वो अफ़गानिस्तान डायरेक्टली हो रहा है चाहे कोई थर्ड पार्टी थ्रू अफ़गानिस्तान करना चाह रही है इस अमन को सबोटाज करने के लिए, तो कोई भी मुल्क ये समझ ले कि हमारी इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। हम एक 22 करोड़ अवाम हैं, 22 करोड़ कौम अकेली, ये सिर्फ फौज नहीं है, 22 करोड़ लोग हैं जो इस मुल्क के कस्टोडियन हैं। तो ये तमाम ममालिक सुन ले कि हमारे मुल्क पे हमारा एक जवान भी शहीद होगा तो उस पे 22 के 22 करोड़ लोग खड़े होंगे और लबैक कहेंगे, और किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। यही हमारी एक इल्तजा है हमारे सिक्योरिटी अदारों को और हमारी हुकूमत। अंजाम से पहले के हम आगे चले, मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। फायरिंग से हवालदार नूरजमान, सिपाही शकील अब्बासी, सिपाही एहसानुल्लाह और नायक सुल्तान शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी शहादत कबूल करे और इनके जो लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अदा करे। अच्छा, बात यह है कि इसका ये जो बॉर्डर है ये पिछले 70 साल में पहली बार जो है फेंस हुआ, इसको बॉर्डर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अफगान बाशिंदे थे वो उस तरफ से यहाँ आते थे और इस तरफ से वहाँ जाते थे, और स्मगलिंग भी थी और टैरिफ भी नहीं था। अब जो है पहली दफ़ा इस बॉर्डर को रेगुलेट किया गया और उस पर कस्टम और इमिग्रेशन लॉज अप्लाई किए गए और फेंस किया गया। एक तो दहशतगर्दी को रोका जाए, दूसरा आम जो आमदोरफ्त है उसको भी रोका जाए। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान के बहुत से ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के इस एरिए को जो बॉर्डर के साथ लगता है अभी भी अफगानिस्तान का हिस्सा समझते हैं, ड्यूरन लाइन को। लेकिन हमारी फौज ने जो है ड्यूरन लाइन तो अपनी मौत मर चुकी, हाँ ड्यूरन लाइन का फितना दफन कर दिया गया। एग्जैक्टली, अब ये जो फेंसिंग है इसने ड्यूरन लाइन को डेड किया है। ये जो फेंसिंग हुई है ये बहुत अहम थी, बहुत ज़रूरी थी इस खिते को में तय करने के लिए किस मुल्क की सरहद कौन सी है, और बहुत पुरानी जो डिबेट इस मुल्क में ड्यूरन लाइन के ख़िलाफ़ चल रही थी इसका खात्मा किया गया। और साफ मैं समझता हूँ, हम सब समझते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ ग्रोहों को इसकी तकलीफ़ है, लेकिन ये नहीं इजाज़त दी जा सकती कि वो मेरे मुल्क के सिपाहियों पर, उसकी पैरा देने वालों पर, उसकी हिफाजत करने वालों पर फायरिंग करें और उनको शहीद करें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।